Thank you. माननीय अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार धंदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, तैयार हो जाइए। वैसा सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इनमें से कौन सा नृत्य केरल से है? Which of these dances is from Kerala? और इमेज दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉक डी, इमेज ऑप्शन डी। डी को ताला लगा दें। जी सर। डी कह रहे हैं ताला लगा दो। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये इस नृत्य का नाम मालूम है आपके? हाँ सर, कथक। कथकली? यस, कथकली। हाँ कथक अलग होता है। हाँ, कथकली अलग है, जिसमें चेहरे को बहुत सजाया जाता है, आपने देखा है। हाँ। ऐसे ऐसे भौहें हो जाती, बड़ी बड़ी आंख होती है, उसको कालक लगाते हैं और उसके पीछे ऐसे 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 करके और अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। ओके देवी सर, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट वैशाली, आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए फोन आ रहा है जल्दी से आपके पास। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ₹2023 में मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इनमें से किसे राष्ट्रीय आइकॉन की उपाधि दी गई है? इन द ईयर 2023 हु अमंग दीज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वोटिंग। ऑप्शंस ए आशा भोसले, बी उस्ताद अमजद अली खान, सी सचिन तेंदुलकर या डी रणबीर कपूर। सी और डी में कंफ्यूजन है, सी लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे, सोच लीजिए। सी को लॉक कर दीजिए। सी, सचिन तेंदुलकर। फाइनल उत्तर? यस सर, सी सचिन तेंदुलकर। ताला लगा जाए। नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेशनल आइकॉन्स, लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पहल की थी, और आमिर खान और MS धोनी उन कुछ आइकॉन्स या अन्य लोगों में थे जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। ओके अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए पहुंच रहे हैं आप बहुत जल्दी। फोन मिल जाएगा आपको। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। उसके द्वारा सागर तक एक विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्वांगहे को क्या नाम दिया गया है? बाय व्हाट नेम इज चाइना सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ह्वांगहे नोन due to the color of the sediment it carries into the sea? Options A, red river, B yellow river, C green river, D blue river. Lal nadi, peeli nadi, hari nadi ya neeli nadi? Lal nadi, yellow to sea hai, darya. Soch lijiye. Yellow to sea tha, jo yellow sea kehte hain. सेडिमेंट जो गाद जाता है ना, सेडिमेंट जाता है पानी। हाँ हाँ। उसका रंग सर लाइफलाइन लाइफलाइन। लेकिन शांत हो जाइए बादुमती जी, अभी दो बचे हैं, वीडियो कॉल और फ्रेंड और डबल टिप।
वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। तीन नाम दिए थे आपने वैशाली जी, ये है वो तीन नाम। किनसे बात कीजिएगा? डॉक्टर भावना थुमर जी हैं, विनोद परघी हैं और जय व्यास। विनोद सर। विनोद सर, सर बोल रही हूँ। अंकल है, सॉरी। अच्छा अंकल है आप। विनोद परघी जी को फोन लगाया जाए। विनोद परघी जी को फोन लगाया जाए। चाचा है, मामा है। अंकल प्रणाम करता हूँ आपको। विनोद जी नमस्कार। सर सर एक मिनट, हमें आपने सिनेमा में देखा है, टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बराबर हर रोज अपलोड करते हैं आपको मोबाइल में, पर आज रूबरू और हुबहू मुलाकात होगी, मेरे साक्षात्कार हो गया, मैं धन्य हो गया सर, मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात सर, एबी और केबीसी वही पुराने है, एबी और केबीसी वही पुराना है, मेहमान बदलते रहते हैं इस नादान मोहब्बत करने वालों के, और मान बदलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। थैंक यू सर। आपको थोड़ा सा कष्ट में डालने वाले हैं हम। कैसे? आपकी भतीजी यहाँ पर बैठी हुई है, वैशाली उनका नाम है, हॉट सीट पर आ गई हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। यस सर। तो वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको चार विकल्प देंगी। तो अगली आवाज है वैशाली। वैशाली आपका समय शुरू होता है अब। ओके विनोद सर, उसके द्वारा सागर तक एक विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी वांग ही को क्या नाम दिया गया है? ए लाल नदी, बी पीली नदी, सी हरी नदी या डी नीली नदी। अंग्रेजी भी पढ़ दीजिए। कौन सी? चीन की दूसरी, उसके दूसरी नदी। हाँ दूसरी, वांग ही। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी वांग ही विशिष्ट रंग की गाद ले जाने के कारण चीन की दूसरी। ऑप्शन दो। श्योर नहीं हूँ पर पीली शायद आ रहा। ओके, आर यू श्योर? नहीं श्योर नहीं हूँ, मैंने ऐसा पढ़ा है। क्या कीजिएगा सर? जल्दी बोल। प्लीज लॉक बी, पीली नदी। बी पीली पे ताला लगा दें। ऑलराइट, सोच लिया। विनोद जी की बात और आपके मन की बात, बी पे कह रहे हैं ताला लगाओ। यस इज द राइट आंसर। ओके, इसको येलो रिवर कहा जाता है क्योंकि उसके सेडिमेंट्स जो है ना वो पीले रंग के होते हैं। ओके। और इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर से अधिक है। इसे चाइना सोरो भी कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्थ चाइना प्लेन में बाढ़ का कारण बन जाती है। और येलो सी इसलिए उसका नाम दिया गया है क्योंकि वो येलो रिवर येलो सी में जाकर गिरती है। अच्छा, हाँ, है ना, ज्ञान की बात। सर आप लोग कभी ताली बजा दिया कीजिए ज्ञान की बात। एक लाख 60,000 रुपये आपने जीत लिए हैं। इस मौके पे बिल्कुल चांस मत लीजिएगा वैशाली क्योंकि ये मौका दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये का। खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये, और जिसको जीतने से आपके पास स्मार्टफोन आ जाएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग जैसे पुस्तकों की लेखिका कौन है जिन्हें 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? विच ऑथर ऑफ वर्क्स लाइक इन कस्टडी एंड फास्टिंग फीस्टिंग हैज थ्राइस बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? ऑप्शन रखता हूं। ए शशि देशपांडे, बी नयनतारा सहगल, सी मीना कंदास्वामी, डी अनीता देसाई। अनीता देसाई की डॉटर किरण देसाई को तो बुकर प्राइज मिला है। नयनतारा सहगल विजयलक्ष्मी पंडित की डॉटर, शशि देशपांडे तो नहीं। स्टडी ऑफ T
तीन बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया। प्लीज लॉक डी अनीता देसाई। डी अनीता देसाई। लगा दें ताला? जी सर। श्योर है? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप 3 लाख पैसे। वेल डन वैशाली, क्या बात है, इतना मुश्किल प्रश्न था, वाह, हमें बड़ा गर्व हो रहा है एक चेक लिखने पे। ये है 3,20,000 रुपए का चेक आ गया और अनीता देसाई को 3 बार बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, क्लियर लाइट ऑफ डे एक और पुस्तक का शीर्षक है, पर वो कभी जीती नहीं है। उनकी बेटी किरण देसाई, आपको ये भी मालूम था, क्या बात है, किरण देसाई ने 2006 में बुकर को जीता है। ऑलराइट वैशाली, ये देखिए बाजा बज गया। इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल गई होगी, तो ये है हमारे खेल का जो बदलाव आया है, इसका नाम है सुपर संदूक और उसकी तस्वीर अभी यहाँ आ जाएगी। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको मालूम है कि आपके सामने धड़ाधड़ करके 10 प्रश्न आएंगे और 90 सेकंड के अंदर आपको उनका उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपये और 5 अगर सही हो गए और 50,000 जीत लिए तो या तो आप उसको बैंक में डाल सकते हैं या फिर एक अपनी खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकती है। ओके, अब आप बताइए कौन सी भाषा में सुनना चाहेंगे, अंग्रेजी या हिंदी? हिंदी। हिंदी में, ऑलराइट। तो चलिए सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। शीर खुरमा में शीर का अर्थ क्या है? दूध, आम, चावल। ये दूध। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या अनुष्का शर्मा की एक फिल्म का नाम है? राजा महाराजा शेख सुल्तान। करेक्ट। 2020 ओलंपिक में मनप्रीत सिंह ने किस खेल में भारत की कप्तानी की थी? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, मुक्केबाजी। पास। पास। नेक्स्ट, ग्रेट व्हाइट और टाइगर इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? ए बाज, तिलचट्टा। बी तिलचट्टा। गलत। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश अरबी प्रायद्वीप पर स्थित है? ओमान, लेबनन, तुर्की, ईरान। सी तुर्की। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। इनमें से कौन सा तत्व चुंबकीय नहीं है? आयरन, कार्बन, निकल, कोबाल्ट। बी कार्बन। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फल बेलों पर गुच्छे में आता है? सेब। सी अंगूर। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री लालू प्रसाद यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। सी झारखंड। गलत। नेक्स्ट, एस्टेक्स किस महाद्वीप पर रहने वाले योग थे? पास। 2020 ओलंपिक में मनप्रीत सिंह ने किस खेल में भारत की कप्तानी की थी? सी हॉकी। सी हॉकी। करेक्ट। इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ए तात्या टोपे। गलत। समय समाप्त हो गया। देवी जी, बहुत सारा इतिहास का ज्ञान आपको नहीं है। ऑलराइट, परिणाम बता दें आपको। आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 50,000 रुपया जीत गए। तो सबसे पहले जो आपके गलत जवाब थे उनको मैं बता देता हूँ। सवाल ये था, ग्रेट व्हाइट और टाइगर इनमें से किसकी प्रजातियां हैं? बाज, तिलचट्टा, भैंस या शार्क? आपने कहा तिलचट्टा। शार्क। शार्क होता है, ग्रेट व्हाइट शार्क या टाइगर शार्क। ओके। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश अरबी प्रायद्वीप पर स्थित है? ओमान, लेबनन, तुर्की, ईरान। आपने कहा तुर्की। तुर्की कहाँ है पेनिनसुला पे, अरब पेनिनसुला? वो तो ओमान है, वहाँ है कि नहीं? ऑलराइट। नेक्स्ट, श्री लालू प्रसाद यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये कौन नहीं जानता भारतीय कि वो बिहार के हैं। आपने बोल दिया झारखंड। गलत, बिहार के मुख्यमंत्री। और आगे चलते हैं अब, इनमें से किसने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? मंगल पांडे। ओके। एक और पास किया हुआ था आपने, एस्टेक्स किस महाद्वीप पर रहने वाले लोग थे? ये था उत्तरी अमेरिका। एस्टेक्स उस क्षेत्र के लोग थे जो वर्तमान में मेक्सिको है अब। ऑलराइट, जीत गई है आप 50,000 रुपये। अब बताइए बैंक में डालिएगा कि कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन रिएक्टिव, लाइफलाइन जीवित कराए, कौन सी? ऑडियंस पर। ऑलराइट,
राइट कपूर जी महाशय, वैशाली जी अपनी ऑडियंस को लाइफलाइन को फिर से जीवित करना चाह रही है, इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट वैशाली जी, जी सर, एकदम तन के बैठिए आप। 3,20,000 रुपए जीतने, 2 लाइफलाइन है, और ये जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, देखिए इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पुणे में किस संस्थान ने 2022 में महिलाओं के अपने पहले बैच को प्रवेश दिया था? Which institution in Pune admitted its first batch of women in the year 2022? A. Film and Television Institute of India. B. Deccan College. C. National Defence Academy. D. Armed Forces Medical College. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, बी डेक्कन कॉलेज, सी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, या डी सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय। पहली बार हुआ है ये? यस। सोच लीजिए, समय है आपके पास। लाइफलाइन नहीं मालूम? ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, जिसे आपने फिर से जीवित किया था उसका अब आप उपयोग कर रही हैं। लाइफलाइन ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। सी नेशनल डिफेंस एकेडमी सबसे ज्यादा प्रतिशत 49%, ए बी और डी को मिला है 12, 20 और 19, क्या कीजिएगा? सी को लॉक कर दें। सी पे ताला लगा दें। सी नेशनल डिफेंस एकेडमी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद 2022 में एनडीए में महिलाओं के पहले बैच का प्रवेश हुआ। पहली ही साल में, ये सुनिए, लाखों महिलाओं ने इसमें प्रवेश के लिए आवेदन किया था। सब के सब जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है सर। एक लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन डबल डिप, वो अभी भी जीवित है और आएगा 12वां प्रश्न के सामने, 12,50,000 रुपये। ठीक है, बहुत सोच समझ कर आप खेली हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, सीधा खड़े होकर के। हाँ, थैंक यू। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की नई संसद के डिजाइन का उत्तरदायित्व इनमें से किस वास्तुकार को दिया गया था? Which of these architects was responsible for the design of the new parliament of India? A. बिमल पटेल, बी नॉर्मन फॉस्टर, सी वृंदा सुमैया, डी बीवी दोषी। सर ए बिमल पटेल लग रहा है। ओके, सर प्लीज लॉक ए बिमल पटेल। श्योर? यस। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बिमल पटेल कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप? नहीं सर, ये पढ़ा था मैंने, जो नहीं पढ़ा था आपने? हाँ। और यही नाम था? हाँ। अब आपने हाँ बोल दिया तो हाँ ही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। वास्तुकार बिमल पटेल को हाल ही में उद्घाटन किए गए संसद भवन के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने इनोवेटिव साबरमती रिवर फ्रंट, yes,
परियोजना का भी नेतृत्व किया था। एक लाइफलाइन अभी भी बची है। आ रहा है 13वां प्रश्न, मूल है इसका 25 लाख रुपए। ठीक है, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। वैशाली जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्नाटक की एक योद्धा, उनके बाबा हैदर अली की सेना से रसोई के किस उपकरण से लड़ने के लिए प्रसिद्ध हुई थी? उनके बाबा, ए वॉरियर फ्रॉम कर्नाटक, बिकेम लेजेंडरी फॉर फाइटिंग द फोर्सेस ऑफ हैदर अली विद व्हाट किचन इंप्लीमेंट? ऑप्शंस ए पेसल, बी नाइफ, सी स्पैचुला, और वाज इट डी रोलिंग पिन? ए मूसल, बी चाकू, सी लेपनी, या डी बेलन? बेलन लग रहा है सर, बट कहीं पर ये कर्नाटक के योद्धा के ओबवा। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20,000। यानी कि अगर गलत हो गया तो 9,30,000 रुपए आप हार जाएंगे। आपके पास एक लाइफलाइन है, डबल डिप, लेकिन इसका भी उपयोग जो है बहुत सही तरीके से करना होता है। एक बार इसको आपने ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। आपके मन के अंदर दो ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिसमें आपको संदेह है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, सो आई क्विट। यू विल क्विट? यस सर। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमने लाइफलाइन ली और सही नहीं हुआ तो हार जाएंगे आप। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर। okay. अनुमति देते हैं आपको, आप 12,50,000 रुपए जीत गई हैं और ये 12,50,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर हम ट्रांसफर दबा के 12,50 आप देंगे। कर दिया? ओके, किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड वैशाली जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका निर्णय जो था उसकी भी हम सराहना करेंगे, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस नहीं थे। ले लेती, गलत हो जाते दोनों तो नीचे आ जाती हैं आप 3-20 पे। ओके, किसी एक को आप गैस कीजिए क्योंकि सही उत्तर बताना पड़ेगा। डी बेलन। डी बेलन, डी बेलन पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। अच्छा हुआ नहीं। हाँ। मूसल, मूसल के साथ लड़नी थी। सर मूसल मतलब? आपको नहीं मालूम मूसल क्या होता है? ऐसे एक डोंगा होता है। okay. उसके अंदर बहुत सारा स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको फिर ऐसे मारते हैं ना। कई घरों में छोटा सा होता है, कई घरों में बड़ा होता है, जहाँ बड़ा पकवान है। दस्तो, दस्तो खानी, दस्तो, दस्तो खानी, दस्तो। हाँ वही वही वही, गुजराती में। गुजराती में उनके बाबा ने मूसल का उपयोग करके मैसूर के हैदर अली की सेना से उन्होंने लड़ाई की थी। वो उन्हें कर्नाटक के चित्रदुर्ग के किले में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। ऑलराइट, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। कम कम दिखे। ऑलराइट, अब फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ, तैयार हो जाइए। देवी जी, आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखिए, हमको देखने का समय खराब हो गया। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न या आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन स्वतंत्रता सेनानियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फ्रीडम फाइटर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने।
ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डी शहीद भगत सिंह। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। समय समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले थे ए महात्मा गांधी 1869 में, फिर आए बी पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889, फिर आए सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 और डी शहीद भगत सिंह 1907। यह है सही क्रम ए बी सी डी। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल दो ने, सबसे कम समय किसका लगा? राजेंद्र कौर। आइए धन्यवाद जी। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। हम सोच रहे थे आप हमको देख रहे हैं, स्क्रीन देख ही नहीं रहे, अब पता चला कहाँ है, हमें देख रही थी आप। 6.10 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया था जिंदर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और तेजिंदर कौर जी ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तेजिंदर जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके तेजेंद्र जी, जो प्रथा है खेल की उसमें ये होता है कि गेम के जो नियम है, रूल्स हैं, उनको बता दिया जाए। आप तो उससे अवगत हैं इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं, केवल जो तीन लाइफलाइंस हैं उनके बारे में बता दूं। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल टीम। ओके बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तेजेंद्र जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको संजय जी। पहला प्रश्न आ रहा है और उसका मूल्य है 1,000 रुपये। रेडी, पहला प्रश्न 1,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको आमतौर पर किताबों का एक बड़ा संग्रह मिलेगा? एट विच ऑफ दीज प्लेसेस विल यू यूजुअली फाइंड अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स? ए स्विमिंग पूल, बी पुलिस स्टेशन, सी लाइब्रेरी या डी फायर स्टेशन? सी लाइब्रेरी। स्विमिंग पूल, पुलिस चौकी, पुस्तकालय, अग्निशमन केंद्र, आपने कहा सी, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आजकल लाइब्रेरी की संख्या जो है वो बहुत घट गई है, है कि नहीं? यस सर। पर सबके जीवन में लाइब्रेरी से जुड़ी कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। लाइब्रेरी इसलिए कम हो गई क्योंकि फोन पे आ गया है सब कुछ। यस सर। और फोन पे ज्यादा हो गया है। हाँ, फोन पे सारा कुछ वहाँ से जानकारी मिल जाती है। हाँ, लेकिन लाइब्रेरी में डिटेल नॉलेज जो होती है वो फोन पे मिलती नहीं है। हाँ, ये तो बात है। बहुत से लोग वहाँ जाते हैं और जानकारी पता करने के लिए। नई पीढ़ी जो है जाती है कि कौन आने वाली है वहाँ। नहीं होता है कि नहीं ऐसा? ओ चुपके चुपके सर बहुत सी बातें हो जाती है। और आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा या बोली नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ लैंग्वेज और डायलेक्ट प्रोमिनेंटली स्पोकन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? ए हिंदी, बी उर्दू, सी भोजपुरी या डी मिजो? सर डी मिजो को ताला लगाते हैं। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मिजो जो है वो मुख्यतः मिजोरम की बोली। हाँ जी सर। बाकी तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तीसरा प्रश्न 3,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस मुख्य पृष्ठ से कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? ये एक इमेज प्रश्न है। व्हाट वर्ड इज ब्लैंक्ड आउट फ्रॉम दिस कवर? कैन यू सी द पिक्चर? ऊपर लिखा है मैडम और नीचे ब्लैंक, वो शब्द आपको भरना है। ओके। देख लिया जी, ऑप्शन सुनिए। ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी जज? सर ए प्रेसिडेंट। कर दे लॉक। यस सर। ए पे ताला लगा जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3000 दे दिए। ये जो छवि आपने देखी ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की छवि है, उनकी जीवनी है, जिन्हें 2022 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये जो चित्र आपने भी देखा देवी सर, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, हम अपना आभार प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए, और चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से क्या एक द्वीप है? Which of these is an island? A. Israel. B. South Korea. C. Norway. Or D. Great Britain. Sir, D. Great Britain. Israel, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे या ग्रेट ब्रिटेन? आपने कहा डी, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, आप लोग कहना पड़ेगा ताला लगाया जाए। ताला लगा दीजिए। जी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीत गए हैं, और आपकी जो 3000 रुपए वाली सैलरी थी वो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई। ग्रेट ब्रिटेन, और देखिए मिनटों में हो गई ये तो, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये खासियत है इस खेल की। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तजेंद्र जी। छठा प्रश्न अब आपके सामने तजेंद्र जी आने वाला है। आपके स्क्रीन के ऊपर छठा प्रश्न ये रहा, ये भी एक इमेज प्रश्न है तजेंद्र जी, एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के ऊपर ये प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ कवक या फंगाई वर्ग से संबंधित है? Which of these food items belongs टू द फंगाई किंगडम? तस्वीर दिखाया जाए पहले। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। देख लिया? इमेज ऑप्शन सी सर। इमेज ऑप्शन सी। सी, और इमेज ऑप्शन सी कह रही हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जीत गए आप 20000 रुपए। ये तस्वीर है मशरूम की, है कि नहीं? ऑलराइट, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40000 रुपए। सातवां प्रश्न 40000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या सिंगल और रिप्लाई के प्रकारों में आता है? In India, which of these is available in two varieties named single and reply? Option suniye: A. Postcard. B. Inland letter card. C. Courier. Ya D. Speed post. Courier nahi. Postcard, antardeshi patra, courier ya speed post. Single or reply? B. Single and reply. Sir. शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे तजेंद्र जी, केड़ी लाइफलाइन? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक ही ठीक है। ऑडियंस फोन लेना चाह रही है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस भारी आ गई, एक बार फिर से अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, और समय आपका शुरू होता है अब। पोस्ट कार्ड सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 76%। कैसा की करोगे तजेंद्र जी? ताला ला दो। ताला लगा दो। ए, पोस्ट कार्ड पे ताला लगाया जाए कह रही है। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। पोस्ट कार्ड निर्धारित आकार के कार्ड पर एक ओपन कम्युनिकेशन है। पोस्ट कार्ड दो किस्मों में उपलब्ध होते हैं, सिंगल और रिप्लाई, और इसका उपयोग केवल भारत के भीतर ही किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप खेल रहे हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिए। आठवां प्रश्न 80000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2023 में इनमें से किस देश में राष्ट्रपति गार्ड प्रमुख द्वारा सत्ता पलट किया गया था? Which of these countries experienced a coup
by the head of the presidential guard in July 2023? Options A, Mexico, B, South Africa, C, Sri Lanka, D, Niger. सर डी नाइजर को लॉक करते हैं। डी नाइजर, ऑलराइट। मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नाइजर, डी नाइजर पे कह रहे हैं ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन प्ले। क्या बात है तेजेंद्र जी। अब आएगा आपके सामने तेजेंद्र जी नौवां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी। नौवां प्रश्न, 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंबल की किस सहायक नदी का नाम एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है? Which Indian river, a tributary of the Chambal, shares its name with a national park? A, Betwa, B, Kuno, C, Shipra, D, Gambhir. Betwa, Kuno, Shipra, Gambhir. National park तो Kuno ही है। बी को लॉक कर दे। बी कुनो कह रहे हैं तजेंद्र जी, इस पे ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well played. कुनो नदी जो है वो चंबल की एक सहायक नदी है, जिससे कुनो राष्ट्रीय उद्यान को उसका नाम मिलता है। मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है, क्योंकि अभी जी खबर में आए थे प्रधानमंत्री जी ने। ये नहीं पता था कि चंबल की सहायक नदी है। हाँ जी जी। ये नहीं पता। ऑलराइट, ओके तजेंद्र जी, आ रहा है आपके सामने अब दसवां प्रश्न, और अभी आप हैं 1,60,000 रुपए। यस। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार जितने भी खिलाड़ी आते हैं उन सबसे हम यही कहते हैं। दसवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एस एन गोयनका किस ध्यान से जुड़े एक शिक्षक थे जो उन्होंने म्यांमार में सीखी थी? एस एन गोयनका वॉज अ टीचर एसोसिएटेड विद विच मेडिटेशन टेक्निक विच ही लर्न इन म्यांमार। ऑप्शन देखिए, ए योगा, बी विपासना, सी जेन या डी चक्र। योग, विपासना, जेन या चक्र। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, दो बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, डबल डिप। सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे। इसके बारे में मालूम है ना, आपके मन में दो ऐसे उत्तर होने चाहिए। एक बार डबल डिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकती हैं। जेन। यस सर। ओके, डबल डिप लेना चाह रहे हैं तजेंद्र जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब आपको दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यस सर। पहला उत्तर बताइए। विपासना। बी विपासना पे ताल लगाया जाए। जीत गई आप बिल्कुल। वेल प्लेड तजेंद्र जी, बधाई। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। तो पता था विपासना, बट मैं तो जन दोबारा जीवित कर सके। सबसे पहले आपका ये चेक जीवित कर दूं मैं। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। बहुत घबरा देता है ये हूटर। ऐसा बजेगा तो जिंदर जी, आज हूटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और हमारा तो मन चाह रहा था कि और खेलें आपके साथ। बहुत हसमुख है आपका चेहरा और स्वभाव, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। एक बार जोरदार तालियां बज जाए तो जिंदर जी की।
समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों, जाते जाते ज्ञाननाथ जी का ज्ञान जो है खास तौर से उन पुरुषों के लिए जो कि विवाहित है, ये ज्ञान देते हैं रहते हैं। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि पत्नी का जन्मदिन, पहली मुलाकात का दिन और मैरिज एनिवर्सरी, ये सब भूलने के बावजूद यदि खाने में आपको पनीर की सब्जी मिल जाए तो उसका एक ही मतलब है और वो ये कि कभी कभी फटे हुए दूत को ठिकाने लगाने का भी दिन होता है। इसलिए मटर पनीर में उसकी याद नहीं स्वाद ढूंढिए, आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। वाह, इसी के साथ अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। थैंक यू, गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.